आज हम देखेंगे लिंगानुपात, जो कि जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण गुण है या विशेषता कह सकते हैं। लिंगानुपात सेक्स रेशियो, लिंगानुपात होता क्या है? लिंगानुपात क्या होता है? दरअसल बहुत सिंपल सा है। किसी भी क्षेत्र में या देश में, वहाँ पे जितने लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सभी आयु वर्ग के, ऐसा नहीं है कि बच्चों को अलग कर दिया जाए या वृद्धजनों को अलग कर दिया जाए, सभी आयु वर्ग के जितने भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं, यानी पूरी की पूरी जनसंख्या, उसमें स्त्री और पुरुष का जो अनुपात होता है वही लिंगानुपात कहलाता है। ठीक है, तो किसी जनसंख्या में सभी आयु वर्ग के, यहाँ ये ध्यान रखिएगा, सभी आयु वर्ग के जितने स्त्री पुरुष अनुपात क्या कहलाता है? लिंगानुपात कहलाता है। यहाँ सभी आयु वर्ग को इसलिए लिखा गया है क्योंकि ऐसा ना हो कि बच्चों को छोड़ दिया जाए या फिर जो बहुत वृद्ध हो गए हैं उनको छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ दो ही चीजें ध्यान में रखना है आपको, वो स्त्री है या पुरुष है। ठीक है, तो अगर ये हम देख लेते हैं किसी क्षेत्र में जो जनसंख्या है, और आप जनसंख्या के आंकड़े पढ़ते भी हैं और देखेंगे, महिला और पुरुष के ही आंकड़े आपको मिलते हैं लिंगानुपात में, कि कितने महिला हैं और कितने पुरुष हैं। यही होता है उस क्षेत्र का सेक्स रेशियो। जनसंख्या के जो सभी आयु वर्ग हैं, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, युवा वर्ग हो या किसी भी आयु वर्ग में हो, उनमें स्त्री और पुरुष के बीच में क्या अनुपात है, यही लिंगानुपात होता है। इसके आकलन की जो विधियां हैं, आकलन अलग अलग देशों में इसका जो मापन होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। वैश्विक स्तर पे इसका जो मापन होता है, लिंगानुपात का मापन वैश्विक स्तर पे क्या है, वैश्विक स्तर पर इसको 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या को ज्ञात किया जाता है। 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, ठीक है, यानी किसी देश में ये वैश्विक स्तर का आकलन है, जो विश्व स्तर पे ये मान्य है। भारत में थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको हम भी देखेंगे। यानी 100 महिलाएं हैं तो फिर उनपे कितने पुरुष हैं, क्या 100 महिलाओं पे 100 पुरुष हैं या फिर कुछ ज्यादा हैं, जो इनका अनुपात आता है, बराबर है या कम है या फिर ज्यादा है, यही लिंगानुपात होगा। ठीक है, आज वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो वैश्विक लिंगानुपात कितना है वर्तमान में? वैश्विक लिंगानुपात 102 है। ये 102, अब ये जो 102 आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये 100 महिलाओं पर 102 पुरुषों का औसत है। यानी देखा जाए तो महिलाओं की संख्या वैश्विक स्तर पर भी कम ही है, दो पुरुष एक्स्ट्रा उसमें आते हैं। तो जब वैश्विक स्तर पर लिंगानुपात की बात आती है, तो वहां पे ये होता है कि 100 महिलाओं पर देख लो कि कितने पुरुष हैं, वही उनका अनुपात होगा। अलग अलग देशों में इनका आकलन अलग अलग तरीके से होता है। जैसे अमेरिका में प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की मात्रा, यूएसए में 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या ली जाती है। ठीक है, यानी अमेरिका में यही वाला मानक चल रहा है जो वैश्विक स्तर पे है, 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, वही अमेरिका में भी है। वहां भी जब जनगणना जो होती है, वहां पे लिंगानुपात जो सेक्स रेशियो निकाला जाता है, वो 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, फार्मूले में अगर आप लिखना चाहें तो मेल फीमेल 200, ये हो जाएगा इसका सूत्र। न्यूजीलैंड में थोड़ा सा इसका उल्टा हो जाता है। वहां पे न्यूजीलैंड में 100 पुरुषों पे निकाला जाता है महिलाओं की संख्या, 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक है, ऐसे
अलग अलग देशों में आप देखेंगे कि जो अपने अपने मानक भी हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पे एक जो आकलन करने की जो विधि है वो आप ध्यान में रखें, और आप अपने देश में जो आकलन की विधि है उसको विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि प्रश्न वहाँ से आपको मिलते हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड में 100 पुरुषों पे देख लिया जाता है कि महिलाएं कितनी हैं, और ये बहुत सिंपल होता है इसको निकालना, लिंगानुपात। ठीक है, भारत में ये चीज़ जो है 1000 पुरुषों पे मापा जाता है महिलाओं की संख्या को। भारत में देख लेते हैं, भारत में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ठीक है, यहाँ पर ये देखा जाता है कि 1000 पुरुष हैं अगर, तो उन पे कितनी महिलाएं हैं, वही उनका अनुपात जो होगा वही लिंगानुपात भारत के संदर्भ में होगा। यहाँ 100 पे नहीं ज्ञात किया जाता, यहाँ 1000 पे ज्ञात किया जाता है, वो भी 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या निकाली जाती है। आज 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 में जो जनगणना हुई थी इसके तहत 940 हमारे यहाँ लिंगानुपात है। 940 लिंगानुपात होने का क्या मतलब है कि 1000 महिलाओं पे 940 पुरुष हैं, ये 1000 पुरुषों पे 940 महिलाएं हैं। तो यहाँ पे 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं भारत में, 2011 के आंकड़े बताते हैं। ठीक है, तो अब इसको ज्ञात कैसे करते हैं भारत में, बहुत सिंपल है। अगर 1000 हम पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम निकाल रहे हैं तो क्या होगा, फीमेल बटे मेल, 1000 पे हम निकाल रहे हैं ना, 1000 गुणे 1000। अब इसको आप 2011 की जनगणना में अगर देखें तो फीमेल की संख्या कितनी थी, 58.64 करोड़, 58.64 करोड़ 2011 के आंकड़े के अनुसार भारत में महिलाएं थी, और पुरुष 62.37 करोड़ गुणे 1000 कर दीजिए, रिजल्ट में आपको 940 दशमलव कुछ ऐसे आएगा। यानी ये हो गया कि 1000 मेल पे इतनी महिलाएं भारत में हैं। अब देखिए, अगर ये जो गुणा भाग करने से आपको जो रिजल्ट मिलता है वो एक एक या फिर इससे कम या इससे अधिक, रिजल्ट में अगर ऐसा कुछ लिख कर आता है, अगर एक से अधिक आ रहा है लिंगानुपात, क्योंकि अब ये 940 तो आने वाला है नहीं, क्योंकि अगर यहाँ आप 58 से 62 को भाग देंगे तो फिर क्या होगा, दशमलव में आएगा। तो जो दशमलव में अंक आ रहा है इसका मतलब होगा कि वो एक से कम है। भाई दशमलव में कोई चीज़ कब आएगा, जब वो एक से कम होगा। तो अगर एक से कम आ रहा है तो क्या होगा, पुरुषों की तुलना में स्त्रियां कम है। तो अगर एक से कम रिजल्ट आ रहा है तो इसका मतलब पुरुषों की तुलना में स्त्रियां कम है। ठीक है, और अगर अब अगर यहाँ पे यही आंकड़ा आप पलट दीजिए, ये जो 62 है 58 को नीचे ले आइए, 62 को ऊपर ले जाइए, तो जब इसको आप लेकर जाएंगे तो फिर 58 से जब आप 62 को ऊपर भाग देंगे, भाई भाग यहीं से तो देंगे, शुरुआत नीचे से तो करेंगे, अभी जब आप भाग दे रहे हैं तो 62 है यहाँ पे, 58 है, ये संख्या कम है, तो इसलिए दशमलव लगा करके हम इसमें भाग देंगे, तो फिर एक से कम आएगा रिजल्ट। इसका मतलब होगा कि 940 अर्थात 1000 पुरुषों के 940 महिलाएं हैं, यानी महिलाओं की संख्या कम है पुरुषों की। ठीक, लेकिन जब ये आंकड़ा आप पलट देंगे, मान लीजिए कि अगला जो 2000 अब जो आने वाला है जनगणना, इस जनगणना में ये आंकड़ा पलट जाए, ये 62 जो है ऊपर चला जाए और 58 नीचे आ जाए, ये पुरुषों की संख्या कम हो जाए, तब आप 58 से 62 को भाग देंगे तो फिर क्या होगा कि संख्या एक से अधिक होगी। क्यों, क्योंकि 58 एक कम 58 तो हो ही जाएगा, 1 दशमलव कुछ आएगा रिजल्ट, यानी एक से अधिक आएगा। अगर अनुपात एक से अधिक आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियां अधिक हैं। ठीक है, पुरुषों की तुलना में स्त्रियां अधिक हैं, ये रिजल्ट आएगा आपके सामने। इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि स्टेटमेंट में ये आपसे पूछा जा सकता है कि
क्वेश्चंस अगर प्री में बनता है कि यद लिंग अनुपात या किसी देश के सेंसस में अनुपात 1 से कम आता है तो फिर उसका क्या अभिप्राय होगा, और स्टेटमेंट में दे सकता है कि स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है या स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कम है या फिर बराबर है, इस तरह का 4-5 स्टेटमेंट वो आपको दे सकता है। तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि जब हम भाग देते हैं तो भाग देने पे जो रिजल्ट अगर दशमलव में आता है तो इसका मतलब हो गया कि स्त्रियां कम हैं, 1 से कम है, और अगर रिजल्ट जो है वो 1 से अधिक आता है, 1 पॉइंट कुछ भी आ जाए, तो फिर स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक मानी जाएगी। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं आगे। अब देखा जाए कि वैश्विक स्तर पे, विश्व स्तर पे लिंगानुपात के कुछ क्षेत्र डिसाइड किए गए हैं। ठीक है, कि कहाँ पे सेक्स रेशियो अधिक है, कहाँ पे बहुत अधिक है, कहाँ पे बहुत कम है, इस तरह से इन 4 क्षेत्रों को निर्धारित किया गया है। क्योंकि आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो विश्व का थोड़ा बहुत तो आपको क्षेत्र वाइज इसका विभाजन मालूम होना चाहिए। एग्जाम में सीधा सीधा स्टेटमेंट ये बनाता है कि अति उच्च लिंगानुपात वाले क्षेत्रों में शामिल हैं वो कौन से क्षेत्र हैं। ठीक है, तो विश्व को 4 लिंगानुपात वाले क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। विश्व को 4 लिंगानुपात क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, नंबर 1 अति उच्च लिंगानुपात, ये कौन से क्षेत्र होंगे भाई, लिंगानुपात वाले क्षेत्र। यहाँ वैश्विक स्तर पे देख रहे हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे, 100 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या को ध्यान में रखकर चलेंगे। तो इसके अंतर्गत वो क्षेत्र आते हैं जहाँ पे 95 से कम लिंगानुपात है। ठीक है, जहाँ पे 95 से कम लिंगानुपात है इसके अंतर्गत वो क्षेत्र आएंगे, जैसे सोवियत रूस है, यूरोप है, दक्षिण कोरिया है, ये सारे एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या क्या है, कम है। ये हम वैश्विक स्तर पे 100 महिलाओं पे प्रति 100 महिलाओं पे पुरुषों की संख्या ही ज्ञात करते हैं, तो अगर 100 महिलाओं पे 95 से कम पुरुष हैं तो क्या है, लिंगानुपात बहुत अधिक है। लिंगानुपात का मतलब हो गया कि फासला बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए, जैसे सोवियत रूस और है दक्षिण कोरिया है, यूरोप है, यूरोप और भी ऐसे बहुत सारे देश मिल जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से उन देशों को आप ध्यान में रखेंगे जहाँ पे लिंगानुपात 95 से कम है। अगला क्षेत्र होगा उच्च लिंगानुपात वाले क्षेत्र, ये तो हो गया अति उच्च। अगला है उच्च लिंगानुपात वाले क्षेत्र, इसके तहत कौन से क्षेत्र आएंगे, वे क्षेत्र जहाँ पे प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या कितनी हो, 95 से 100 होना चाहिए, जहाँ पे 95 से 100 पुरुष हों प्रति 100 स्त्रियों पर, ऐसा भी आप लिख लीजिए 100 स्त्रियों पर, वो सभी क्षेत्र उच्च लिंगानुपात वाले क्षेत्र कहलाएंगे या देश कहलाएंगे जहाँ पे पुरुषों की संख्या 100 स्त्रियों पर 95 से 100 के बीच में पाई जाती है। ठीक है, जैसे अफ्रीका है, जापान, उत्तरी अमेरिका, इन सब जगहों पे ये लिंगानुपात मिलता है। मध्यम लिंगानुपात वाले क्षेत्र कौन से होंगे, ये तो हो गया उच्च, फिर मध्यम, मध्यम में वो सारे देश आएंगे जैसे दक्षिण पश्चिम एशिया के देश हैं, दक्षिण पश्चिम एशिया के देश, दक्षिण पश्चिम एशिया के देश, यहाँ पे जो लिंगानुपात होता है वो 100, 98 से 102 मान लीजिए, यानी यहाँ पे ठीक ठाक लिंगानुपात पाया जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर जो है वो नहीं होता है। ठीक है, अब बात आती है चौथे वर्ग की, न्यून लिंगानुपात का क्षेत्र जो है, न्यून लिंगानुपात ये कहाँ पाया जा रहा है, ऐसे देश जहाँ पे 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या क्या हो, लगभग 105 हो, वहाँ पे लिंगानुपात बहुत कम है।
लिंगानुपात का मतलब हो गया कि जिसको आधार बनाया गया है उससे प्लस में अगर दूसरी दूसरा वर्ग हो तो, जैसे हमारे यहाँ 100 पुरुषों के महिलाओं की संख्या है, तो अगर एक सॉरी 1,000 पुरुषों के महिलाओं की संख्या है, तो अगर 1,000 से अधिक महिलाएं हैं तो लिंगानुपात कम हो जाएगा हमारे, लेकिन अगर 1,000 से कम है तो लिंगानुपात अधिक होगा। ठीक है, तो 1,000 से जैसे जैसे जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा लिंगानुपात अधिक होगा, और 1,000 से जितना ज़्यादा संख्या इनकी होगी उतना लिंगानुपात पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेस जो है आधार 1,000 का है, वो भी कौन है? पुरुष है। तो फिर महिलाओं में जो उनकी संख्या में अगर कमी या ज़्यादा होती है उसी को हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे देश आते हैं जहाँ 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या क्या हो, जहाँ प्रति 100 स्त्रियों पर 105 पुरुष हैं। ऐसे क्षेत्रों को न्यून लिंगानुपात के क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका, ये सारे देश आते हैं। ठीक है, भारत, पाक, श्रीलंका, ये सब देश, ये वैश्विक आंकड़े हैं, ये जो आकलन है ये विश्व स्तर का है, तो इसलिए आप भारत का अगर नाम आ रहा है तो परेशान मत होइएगा। अगर 940 और 1,000 में अगर 100 को आंकड़ा बनाया जाए तो मुझे लगता है कि 100 स्त्रियों के लगभग 104 पुरुष हमारे यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, 940 महिलाएं हैं अगर, और उनपे 1,000 पुरुष हैं, तो आप इनको 100 में कन्वर्ट कर लीजिए तो 100 पुरुष पे कितने महिलाएं होंगी, सॉरी, हाँ, 100 पुरुष पे 100 महिलाओं पे 104 के आसपास पुरुष। अगली क्लास हम साक्षरता पे लेंगे, लिटरेसी पे।